सो गुड मॉर्निंग, राम राम भाई। सुबह के बज चुके हैं 5 और हमने अपना भाई होटल चेकआउट कर लिया है, क्योंकि 7 बजे अपना क्रूज़ है दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। तो अपना चल रहे हैं अभी ट्रेन स्टेशन पे और पहुंच के आगे का देखते हैं भाई। ये स्टॉकहोल्म सेंट्रल ट्रेन स्टेशन आ गया है। यहाँ से ट्रेन बोर्ड करके मैं सीधा पहुँच जाऊँगा हार्बर पर, वहाँ से मेरे को आके वहाँ से क्रूज़ लेना अपना। तो आज मैं सफ़र तय करूँगा स्टॉकहोल्म से टर्कू। बोर्डिंग पास ले लिए, पीछे सेल्फ वेंडिंग मशीन है। इसके बाद अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हुए बोर्डिंग आधे घंटे बाद। तो यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स लगी हुई काफ़ी सारी, यहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो। उसके बाद आप शिप की तरफ, अपने क्रूज़ की तरफ बोर्ड कर सकते हैं। ये सी वेटिंग एरिया है, यहाँ पर सारे वेट कर रहे हैं। स्टॉकहोल्म है ये, तो अभी लगभग आधा एक घंटा है शिप का क्रूज़ का टाइम होने पे। तो अपना थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये थोड़ा सिल्जा लाइन का अपना ऑफिस है, जिस अपना कंपनी की मेरी शिप है। आई लव स्टॉकहोल्म का ऐतिहासिक स्टैचू, जहाँ पे लोग हर जगह फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये शिप की तरफ बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल प्लेन की तरह होता है, जैसे आप सबसे पहले अपना बोर्डिंग पास ले लेते हैं काउंटर से, उसके बाद बोर्डिंग गेट की तरफ निकल जाते हैं, ऐसे सेम इसके अंदर है। शिप बोर्ड करने के लिए थोड़ा आपको चलना पड़ता है, 5-10 मिनट। सामने ये सीलिया लाइन का क्रूज़ है, बाल्टिक प्रिंसेस है जो इसका नेम है। काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसी से मैं अपना हेलसिंकी फिनलैंड से अपना स्टॉकहोल्म की तरफ आया था। तो वापसी में भी सारा उधर घूम के उसी की तरफ ये एंट्री कर चुका हूँ। ये रिसेप्शन है, क्रूज के अंदर काफ़ी कार्निवल्स और शोज लगातार होते रहते हैं। यही सामने जो आप देख रहे हो बच्चों के लिए यहाँ पे स्टार्ट है भी कुछ, तो एंटरटेनमेंट का पूरा जुगाड़ करा जाता है क्रूज़ के ऊपर। वेदर वो बैले डांस हो, शोज हो, क्विजेज हो, बिंगो हो, तो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, ताकि बंदा बिल्कुल बोर ना हो। उसके अलावा ड्यूटी फ्री शॉप्स है वहाँ पर, जैसे अपना एयरपोर्ट्स पर होती हैं, काफ़ी सस्ते दामों के ऊपर आपको वहाँ चीज़ें मिल जाती हैं। घर की कॉमोडिटीज़ से लेके शॉपिंग, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल होता है। टोबैको, लिकर, बियर्स, कैंस, सब कुछ मिल जाएगा आपको जो आप सोच सकते हो। शोर बिंगो खेलने के दौरान मुझे 2 फिनलैंड के बंदे मिल जाते हैं, उनसे काफ़ी दोस्ती यारी बढ़ जाती है। वो काफ़ी इंसिस्ट करते हैं कि भाई साहब हमारे साथ आओ बैठो, चीयर्स करो। मैंने भाई दारू तो पीनी छोड़ रखी है मैंने, तो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद उनके साथ कॉफ़ी पी, थोड़ा इन्जॉय करा, काफ़ी टाइम पास हो गया। काफ़ी बातें करी हमने कल्चर के बारे में और कौन सी जगहें हैं, कहाँ कहाँ घूमे हो फिनलैंड के अंदर। तो अगली वीडियो में भाई साहब दोनों, we are right now in the Silja line. Friends, sup, we are on the cruise. I met 2 amazing person from Finland. No doubt Finland is the most happiest country in this world, you can see. Yeah. Both people are happy. Yeah, friends. He is the fucking best. This is good guy. Viva Gomari. Say hello India. Hello India. Hello. Hello from Finland. I love you guys. So bro, what do you think about India? India is the, you know what you want to do. उसके बाद वहाँ बिंगो में मैंने अपनी किस्मत आजमाने की सोची और एक अपना बिंगो की टिकट ले ली। लेकिन हमेशा की तरह अपनी किस्मत बेकार, कुछ नहीं निकला और 5 रुपये वेस्ट, 5 यूरो एक्चुअली। उसके बाद मित्र, तो यार राम राम, हरियाणा वालों, यस राम राम, हरियाणा वालों, ओके। उसके बाद ये शोज़ कंटिन्यू रहते हैं और काफ़ी गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों के लिए। तो वैसे ये बनी, टेडी बियर, भालू जो भी है, सारे लोग लाइन में लग जाते हैं अपने बच्चों के साथ, गिफ्ट्स रिसीव करते हैं और फोटोग्राफ्स खिलाते हैं, खिंचवाते हैं अपनी। सामने आप देख रहे हो बच्चा अपना गले मिल रहा है इसके, तो वैसे ही प्रोग्राम चल रहे थे। उसके बाद मैं आ गया बाहर की तरफ एक्सटीरियर में, क्योंकि शिप मेरा लगभग अभी पहुंचने वाला था। दिन का रूट था, सुबह 7 बजे चला था, शाम को ये
सात बजे इसका जो अराइवल टाइम है टर्को के अंदर, तो लगभग मैं पहुंचने वाला हूं अभी। ये छोटी छोटी किश्तियां हैं साथ में, बिल्कुल क्लियर आसमान है, साइड में छोटे छोटे आपको टापू दिखते रहेंगे हर जगह, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है क्रूज़ का। ये लगभग हम अब टर्को पास पहुंचने वाले हैं। टर्को बिल्कुल शी शोर पे है आपका, जो फिनलैंड के अंदर पड़ता है, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और अपने बीचेस के लिए काफ़ी फेमस भी है। उसके बाद थोड़ा अपना सेल्फी वेल्फी के लिए अपनी वीडियोस बनाई ताकि थोड़ा ये मोमेंट यादगार रह जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ मौका नहीं मिलता ऐसी जगह आने के लिए। उसके बाद मुझे अपने ये दो फिनलैंड के मित्र दोबारा मिल जाते हैं। उसके बाद फिर ये दो भाई दोबारा मिल गए और एंजॉय कंटिन्यू रहा, काफ़ी टाइम पास कराया इन दोनों भाइयों ने मेरा, तो बहुत बहुत धन्यवाद फिनलैंड वाले भाइयों को। इन भाइयों के साथ मौज मस्ती करने के बाद दोबारा मैं अपना शो देखना कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि किसी तरीके से अपना टाइम पास करना था और धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक भी जाता जा रहा था। उसके बाद मैंने टर्को से बस ली हेलसिंकी के लिए, जो कि लगभग 2 घंटे लगाती है। 22 पाउंड एक्चुअली उसकी टिकट की कॉस्ट पड़ी। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिखे बीच में। इससे अगले दिन अब मैं जाने वाला हूँ तालीन, विच इज़ द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया, उसको एक्सप्लोर करूँगा। सो प्लीज़ बी विद मी इन दिस अमेजिंग स्कैंडिनेवियन एंड द बाल्टिक सीरीज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चंस है सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो प्लीज़ लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर देम ऑल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। विल बी बैक विद द एस्टोनिया तालिन वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट।